व्यक्ति दो प्रकार के होते जाते हैं। संदेश लेने वाले आत्माएं व्यक्ति दो प्रकार के होते जाते हैं। एक तो संदेश ध्यान से सुनते हैं और परंतु कोई पुरुषार्थ नहीं करते, और दूसरे वो आत्माएं हैं जो ठीक से संदेश भी नहीं सुनते हैं। और तो उन आत्माओं की गति किस प्रकार की होती है? संदेश सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं अथवा गहराई से नहीं सुनते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सुनते भी है, सुना अनसुना कर देते हैं। तो जैसे सुनने वाले कैटेगरी में है, ऐसे प्रजा भी कैटेगरी की होती है, कोई फर्स्ट क्लास प्रजा होती है, कोई सेकंड क्लास प्रजा होती है, कोई थर्ड क्लास और कोई फोर्थ क्लास प्रजा होती है। कौन से युग में आएंगे हो? संदेश देने वाले कौन से युग में आएंगे? एक होता है सात्विक स्टेज, देवताओं की भी अवस्थाएं हैं। सात्विक स्टेज के देवता, सामान्य के स्टेज के देवता और गिरती कला वाले जन्मों के देवता। इसलिए सीढ़ी के चित्र में अंतिम जो जन्म है दो तीन, वो कटे हुए दिखाई दे। तो वैसी वैसी प्राप्ति हो जाती। समाधान नहीं हुआ। युग कौन सा है? संदेश लेने वालों का कौन से युग में आएंगे? सचिव क्रेता तो आपका कर लिए। मान लो बाप आया और बाप के आते ही जिन्होंने पहले पहले संदेश लिया, वो कौन होंगे? बाप के आते ही सन 36 में पहले पहले संदेश किसने लिया होगा? सूर्यवंशियों में भी पहले कौन होंगे? आचले होंगे ना? नहीं, अभी की बात कर रहे बाबा। अरे जब ऐसा समय सतो प्रधान से तो कहेंगे आज, क्योंकि ज्ञान भी पहले सतो प्रधान से सतो सामान्य पे रजो और तमो बनता है। एडवांस ज्ञान भी पहले सतो प्रधान से सतो सामान्य पे रजो फिर और तमो। ऐसे यहाँ भी जो जितना पहले संदेश लेता है, जैसे कि सच्ची रूपि रंगमंच पर अवतरित हो गया, शूटिंग हो गई, जो अष्टदेव है वो एकदम आज में संदेश लिया होगा या बीच में लिया होगा? एकदम आज में लिया होगा, फिर नंबरवार होते जाते हैं। यहाँ एडवांस में आने वाले भी नंबरवार आते हैं। और बाबा 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवेश्वर होके गए, वो तो उस टाइम में 12वीं शताब्दी में जोशो समारोह को हाथ में लिंग दिया, लिंग की पूजा करने के लिए, उसका प्रतीक क्या है? लिंग तो आत्मा का प्रतीक है, लेकिन हाथ किस बात का प्रतीक है? तो बुद्ध रूपी हाथ में अभी लिंग दिया जा रहा है ना? 12वीं शताब्दी में दिया जा रहा है। कोई भी शताब्दी में दिया जा रहा हो, हर शताब्दी में संदेश मिलता है शिव बाबा के आने का। तो यहाँ भी बुद्ध रूपी हथेली में सबके संदेश मिलता है कि शिव बाप आ गया है।
और शिवलिंग भी है। शिव है ज्योति बिंदु, शिवलिंग है उसका साकार रूप। जब हम मन बुद्धि से सूक्ष्म तन में जाते हैं, एक मुरली में महावा क्या है, तो सूक्ष्म तन में बाबा कहते कि वहाँ मन बुद्धि से गए बाद शुद्धि रस की बातें थी, तो वो शुद्धि रस क्या है? खुशी। शुद्धि रस कोई दूसरी चीज थोड़ा ही है। मीठी मीठी चीज पीते हैं तो तन भी खुश हो जाता है और मन भी खुश हो जाता है। वो हद का ये देह का बाबा संगम युग पूरा 100 साल का है, तो उसमें के 50 वर्ष कलयुग में से लिए गए हैं और 50 वर्ष सतयुग में से लिए गए हैं, ये बात की कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीन देवताएं हैं, तीन कैटेगरी की, तीन तबकों की। सबसे नीचे से नीचे तबके का कौन है? ब्रह्मा। और जो आदि ब्रह्मा है या जो अंत ब्रह्मा है, उनके 50 साल कब पूरे होते हैं? तो जैसे कि मुबारक खत्म हो गई, तो इसका ये कहने का कि लौकिक में एक आदमी पुत्री समाज है, वो आदमी की पूजा करता है, तो उन्होंने मुझे याद है कि 1987 में सतयुग चालू हो गया था, उन्होंने नारा लगाया था, तो ये बात उन्होंने कहा। 97 नाम क्या पड़ा? 97 सत्य आया, ये नहीं आए सत्य 90 वे नहीं आए, सत आए। सेवन में बात निकाली है, वो 87 की बात है। सत अति क्या सत है भी सत्य, होती भी सत्य है, सिख लोग कहते हैं ना। तो ब्रह्मा के 100 साल पूरे हुए, किसके 100 साल पूरे हुए? ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है, तो मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास हुआ, रूपी रंगमंच की पहली आत्मा है ना। तो ब्रह्मा जब खलास हुआ तो कौन सा युग शुरू होगा? अरे ब्रह्मा कौन से युग में खलास होगा? मृत्युलोक में खलास होगा या अमर लोक में? मृत्युलोक में खलास हुआ, मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास हुआ तो कौन सा युग शुरू हुआ? अमरलोक का नाम क्या है? सत्ययुग। तो सत्यार्थी उनको कैसे मालूम होगा ये धर्म? इनको लौकिक में जो उनको कुछ नहीं मालूम होता, वो तो ऐसे ही परंपराएं निभाते रहते हैं ना, उनके लिए सत्यु आता है उस समय। हाँ जी बाबा है, महावारी महाभारत रेलिस्ट से पसार हुए बिगड़ स्वर्ग के गेट में नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल सच्चाई के लिए युद्ध नहीं करेंगे, इसका अर्थ होता है बाबा। तो सत्य के युग में पहुंचेंगे कैसे? बिना युद्ध के कोई राजाई मिलती है क्या? झूठी दुनिया की राजाई झूठा युद्ध किए बगैर मिलती है क्या? हद का युद्ध नहीं करेंगे तो दुनियावी राजाई मिल जाती है क्या? तब मिलती है राजाई, युद्ध करते हैं फिर राजाई मिलती है, वो तो हद की राजाई है, और ये है बेहद की राजाई, ये सच्चा युद्ध है। बाबा हाँ, इसका अर्थ क्या है? मैंने महाभारी महाभारत पता हुए बच्चों को, यही तो अर्थ है। दुनिया में एक बताने वाला है सच्चाई, और सारी दुनिया कौन सा रास्ता बताती है? झूठ का रास्ता। तो जो एक सच्चाई का रास्ता बताने वाला है, उस सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को संघर्ष करना पड़ेगा या नहीं? संघर्ष जो जितना ज्यादा करेंगे वो उतने स्वर्ग के मालिक बनेंगे, सत्य के मालिक बनेंगे, सतयुग के मालिक बनेंगे। बच्चों को किस प्रकार का संघर्ष करना है? सत्य तो एक है, बाकी सब झूठ है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब झूठ, सब माया,
उसका बुद्धि से संग छोड़ो, आत्मा सत्य और आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा एक ही सत्य और बाकी सब सब झूठ। बाबा उसमें बच्चे कैसे पास होंगे? एक परीक्षा में बच्चों को परीक्षा कौन सी आएगी? परीक्षा आएगी बच्चों को हाई स्कूल की लगता काय से नष्ट होगा देह झूठी देह के संबंधी भी झूठे देह के पदार्थ भी सब सब झूठे। शक्ति स्टेज तब आवेगी जब याद की ऐसी शक्ति स्टेज बन जाए कि देह के पदार्थों की बिल्कुल सरकार न रहे। अभी भी देह के पदार्थ सब तामसी होते जा रहे हैं, दवाइयां हैं वो भी तामसी, भोजन खा रहे हैं वो भी यूरिया मिला हुआ, परमपिता परमात्मा शिव 100 साल संघयुग में रहते हैं, बाद में 4900 साल कहाँ रहते परमपिता परमात्मा शिव? परम पिता जिसे कहा जाता है वो है कौन? कोई स्थूल है या सूक्ष्म चीज है? क्या है? सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म है इस शक्ति पर आता है और साकार में आता है, तो साकार में आने के बावजूद भी क्या वो सूक्ष्म स्टेज में नहीं रह सकता? परमगामी स्टेज में नहीं रह सकता? रह सकता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाता है तो उसका कनेक्शन भारत देश से कट हो जाता है क्या? वो तो अधकार उसका भी कनेक्शन नहीं टूटता, और ये तो बेहद का बात है। भले से साकार शक्ति में आता है, साकार तन में आता है, पति शक्ति में आता है, पति तन में आता है, पतितों के बीच में आता है, फिर भी इस गंद की दुनिया में उसकी बुद्धि टिकी हुई नहीं रहती है, वो सदैव प्राण स्टेज वाला है। और बाबा जिसको ज्ञान आदि में मिला वो आदि में आएंगे, जिनको आगे ज्ञान मिला है बिल्कुल वो बाद में आएंगे बिल्कुल। हमने तो एडवांस में पिछले जन्म में भी ज्ञान दिया है, पिछले जन्म में बाबा से मिले हैं, बाबा से ज्ञान लिए हैं, इसे हम कब आएंगे? आप पिछले जन्म में आदि में मिले हैं या अंत में मिले? ये तो नहीं पता। नहीं पता ना, तो शुभ संकल्प करो कि हमें आदि नहीं मिले, पूछने की बात ही नहीं। ब्रह्मा के संकल्पों से शक्ति रखी जा सकती है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के संकल्पों से शक्ति नहीं रखी जा सकती। श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो श्रेष्ठ ही बने। जो लिखा है वो मनुष्यों ने लिखा है शास्त्रों में या भगवान ने लिखा है? आप बताइए किसने लिखा है? तो मनुष्य जो है वो झूठ बात बोलेंगे या सच्ची बात बोलेंगे? तो क्यों विश्वास करना? और वो बात भी लगती है यहाँ क्या? यहाँ ज्ञान में चलने वाले ऋषि मुनि हैं जो पवित्रता का पुरुषार्थ करते हैं, पवित्र रहने वाले को ऋषि कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन करने वाले को मुनि कहा जाता है। उनकी आयु लंबी होती है, इसका मतलब वो निश्चय बुद्धि लंबे समय के लिए होते हैं। जो ऋषि मुनि नहीं होते, भोगी होते हैं, उनकी आयु कम होती है। भक्ति मार्ग की सब बातें कहां की याद रहा है? यहां की याद रहा है। वो भी यही होता है,
और क्या तपस्या करेंगे, परमधाम में रहेंगे, राज्य करेंगे, पाप करेंगे, अहंकार आएगा? क्यों आएगा अहंकार? प्रभुता पाए काली मदन आई, जिसको कुर्सी मिल जाती है उसे अहंकार जरूर आता है। तो नीचे गिरते हैं, जब नीचे गिरते हैं तो अहंकार सारा चूर चूर हो जाता है, फिर पश्चाताप होता है, पश्चाताप करने के बाद फिर तपस्या करते हैं। तो ये चक्कर चलता रहेगा आगे भी संगम में। हम सब तपस्या, बार बार तपस्या करेंगे, बार बार नीचे गिरेंगे, ग्लानी करेंगे तो विदेशी धर्मखंडों में भेजा जाएगा, भेजा जाएगा क्या, ड्रामा ऑटोमेटिक ऐसा बनेगा, उन्हें जाना ही पड़ेगा। और चल अचल धन संपत्ति को ईश्वरीय कार्य में समेटने के लिए इशारा किया है बाबा ने, तो वह सब से कौन से साल तक समेटना है? आज ही समेट लो, जैसे बाबा कहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कोई लघुपति है और लाख अर्पण करता है, और कोई 100 रुपए वाला है बैंक बैलेंस और 100 रुपए अर्पण करता है, तो दोनों का इक्वल बन जाएगा। तो ऐसे ही ज्ञान में आने के बाद जो जितनी जल्दी अर्पण में होता है उतना ही जल्दी दर्पण उसका पावरफुल हो जाएगा। ये पूछ रहे समय ज्यादा से ज्यादा कितना है? अरे भाई बात, ज्ञान में आने के तुरंत बाद जो अर्पण हो गया वो उतना ऊंचा पद पाने वाला बनेगा, और जो सोच सोच के अर्पण करेगा तो देने वाला भी सोच सोच के देगा। कोई मौका पर सोचे, अरे मौका देख लो, जब मौका आएगा तो तन मन धन सब दुआ कर देंगे। और आत्मा तो भ्रुकुटी के अंदर रहता है, लेकिन साइंस लोग है वो पीछे से ग्लैंड पर रहता है, भ्रुकुटी पीछे पीछे रहता है बोलते आत्मा। कौन कहता है? साइंस वाले ग्लैंड में रहता है। साइंस वाले कहते हैं, साइंस वाले साइंस वाले से कहोगे यहाँ गोली मारे तुरंत मरेगा कि नहीं, और यहाँ गोली ऐसी मारे तो मरेगा या बच जाएगा? बच नहीं सकता। चलो हाँ बाबा, एक बार अंत में माउंट आबू की ट्रेन में पकड़ कर माउंट आबू पहुंचने के बाद फिर वापिस अपने साथ में कोई कार्य को सेवा के लिए वापिस आना होगा या नहीं? ग्लानी की होगी तो आना होगा। सदगुरु निंदा और जितनी जाति ग्लानी की होगी उतना दर बदर होगा। प्रश्न पूछने का एंगल वो नहीं बाबा, आप बताओ। हाँ, तो ये पूछ रहे हैं कि लास्ट में जो ट्रेन निकलेगी बच्चे बच्चों के लिए, ट्रेन में ममता को पहुँच जाओ अंत में बोलेंगे ना, क्या तो उस समय की बात है। हाँ, वो बच्चे वापस आएंगे या नहीं आज के अपने स्थान पर कोई कार्य के लिए कोई सेवा के लिए? क्योंकि आज में ट्रेन निकली, पहुंचने वाले सिंह हैदराबाद पहुंच गए कराची में, जिनको पहुंचना था सिंह हैदराबाद से कराची में पहुंच गए ताले तोड़ तोड़ करके, उनके ताले टूट गए, और जो पहुंच गए उनमें से बहुतेरे 53-54 में जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की भारत में प्रत्यक्षता हुई, ब्रह्मा की प्रत्यक्षता हुई, तो बहुतेरे चले भी गए है कि नहीं? तो जो आज में स्वर्ण और
पहले पहले बाप कौन प्रत्यक्ष हुआ? ब्रह्मा बाबा बाप बन के प्रत्यक्ष हुआ और बेटा प्रजा पिता ने आखिरी अपने बचपन के पुरुषार्थी जीवन में किसको बाप माना? ब्रह्मा बाबा को बाप माना, तो फिर वो सवाय हुआ ही नहीं हुआ। सूक्ष्म शरीर धारी आत्मा दिमागों से देखी जा सकती है। सूक्ष्म शरीर धारी आत्मा सूक्ष्म नेत्र से देखी जाएगी या स्थूल नेत्र से देखी जाएगी? सूक्ष्म नेत्र बना देंगे तो देख सकेंगे। दुनिया में भूत देखा वो बोलते हैं, वास्तव में वो क्या होते हैं? भूत प्रेत वो बनते हैं जो बहुत पाप करते हैं, उनमें भी कैटेगरीज होती है। कोई बहुत ऊंची स्टेज के होते हैं, उन्हें कहते हैं फरिश्ता, और कोई बहुत नीची स्टेज वाले होते हैं, उनको कहते हैं इविल सोल। बाप बोलते हैं हर एक शरीर में एक आत्मा रहती है, और एक हर एक चार एक शरीर में एक आत्मा रहती है, एक शरीर में एक आत्मा रहती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक शरीर में एक ही आत्मा काम करती हो। पिछले साइंटिफिक लोगों ने क्लोन का प्रोग्राम बताया कि एक शरीर जैसा दूसरा शरीर बना दे तो इसमें आत्मा कौन सी आती है? जो क्लोन बनाते हैं या जो टेस्ट ट्यूब में भी बनाते हैं उसमें भी एक आत्मा या दो आत्मा या तीन आत्मा भी प्रवेश कर सकती है, और जो स्थूल शरीर होता है उसमें भी अनेक अनेक आत्मा प्रवेश कर सकती है। क्लोन का प्रयोग किया है उन्होंने, आपने कैमरे जैसा वो कैमरे लेते हैं प्रयोग करते हो तो क्या हुआ? आत्मा तो नहीं बना लेते, इसमें आत्मा आती है। आत्माएं तो वही आती हैं जो पहले से हैं, नई आत्मा तो नहीं बन जाती। अभी जो त्रिमूर्ति चित्र जो है वो यात्रक नहीं है, यात्रक नहीं वो चित्र, एक्यूरेट नहीं है। यात्रक ऐसा बनेगा, एक्यूरेट बनेगा, ऐसा बनेगा जिसका झंडा आया एक्यूरेट बनना चाहिए। वो जो झंडा बनाया है कपड़े का गवर्नमेंट ने, वो कपड़े का झंडा यथार्थ झंडा है या सिर्फ दिखाने वाला समझने के लिए झंडा है? दिखावटी झंडा है तीन कपड़ों का, लेकिन कपड़ों का अर्थ क्या है? शरीर रूपी वस्त्र। तो कोई जो शरीर रूपी वस्त्र असली हुए होंगे वो तीन शरीर रूपी वस्त्र कौन हुए? तो दादा लेखराज क्या पहला ब्रह्मा था? टाइटलधारी ब्रह्मा है। तो कौन है वो ब्रह्मा, असली ब्रह्मा कौन है? नहीं हाँ जगदम्बा है जो आज में सो अंत में। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में पुरुष तन को कैसे रखे? इसलिए
ओम राधे निमित्त बनाई हुई, तो फिर ऐसे ही जगदम्बा कौन हुआ है? ब्रह्मा जी कौन? ब्रह्मा जी सोल जिस स्त्री चोले में अंत में प्रवेश करती है वो डब्बा है, और जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली आत्मा दादा लिख रहा है। और पुरुषोत्तम जो गई है तो हर एक आत्मा के अंदर में अलग होंगी क्या? बाकी हर आत्मा माने 500 करोड़ में जो आत्मा होगी वो पुरुषोत्तम होगी क्या? फिर हर आत्मा की तो बात नहीं, हर आत्मा की बात नहीं, माना जो भी पुरुषोत्तम बनने वाले उनकी बात होगा। हाँ तो उत्तम से उत्तम भी तो एक ही होगा। नंबर कहते हैं उत्तम मध्यम और कनिष्ठ, तो पुरुषों में उत्तम बराबर पुरुषोत्तम, पुरुष कितने हैं? पुरुष कितने हैं? जो शरीर रूपी पुरी में थे, जैसे विष्णु सोया पड़ा है ना, ऐसे आराम से शरीर रूपी पुरी में रहते हैं। कोई कालकंटक नहीं उनको ऊपर असर करे, तो वो संसार में कहे जाएंगे पुरुषोत्तम। सब पुरुषों में उत्तम। बाबा प्रश्न ये है, पुरुषोत्तम बनने से पहले दौरे की जन्म का ये होगा क्या? क्या मालूम पड़ेगा क्या? पार्ट क्या? वो पार्टदारी देखू जिसको अपने पार्ट का ही पता न हो, तो पुरुषोत्तम कैसे होगा? माना पुरुषोत्तम कड़ी होने की पहले मालूम पड़े। हाँ जी बाबा। हाँ बारह ज्योतिर्लिंग जो है वो किसका यादगार है? शिव ज्योति का ही यादगार। लेकिन ये सूर्य बारह गुरु जो है ना, बारह के लोग वो बारह के यादगार है ना, जिसे ज्योतिर्लिंगम कहते हैं वो लिंग कौन है? है? तो शिव बाबा का यादगार है ज्योतिर्लिंग। नंबर वार ज्योति वाले हैं, कोई को ऊपर दिखाया जाता है, कोई को नीचे दिखाया जाता है, कोई को लेफ्ट में दिखाया जाता है, कोई को राइट ईयर में दिखाया जाता है। और घड़ाल का जो काटा तीन है, क्या मिसाल है घड़ाल का जो काटे है मिनट सेकंड और टाइम का है? क्या मिनट कौन सा काटा? कोई स्टार्ट करने वाली घड़िया है, कोई तीव्र सेवा कर रही है, कोई मध्यम चक्कर काटने वाली है, और कोई बहुत धीमी गति से चक्कर काटने वाली है। बोला है अभी बाहर वालों की सर्विस करने से उतना फायदा नहीं है ना, राजा निकालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा या प्रजा निकालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा? राजा या फोर्थ क्लास प्रजा निकालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा? यथा राजा तथा प्रजा। जिस राजा की फोर्थ क्लास प्रजा होगी तो राजा जैसा होगा, कोई ने आक्रमण किया और पटाख से लग जाओगे। और बाबा ज्ञानी आत्मा राम रावण दोनों को पहचानी, माया और रावण एक ही है क्या? राम रावण नहीं होता है, है? 100% राम 100%
रावण बनता है। अगर न बने तो जब एवरलास्टिंग कलयुग का अंत होगा उस समय दुनिया की बड़े से बड़ी पापात्मा परम नाम से नीचे आ जाएंगी या नहीं है? आवेंगी ना, उन पापात्माओं का मुकाबला कौन करेगा? इसलिए बोला पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए बाप आए हुए। तुम बच्चे इतनी तीव्र गति से पाप नहीं कर सकेंगे जो पापों की दुनिया का अंत हो जाए। इसलिए बाप तुम्हारे ऊपर रहम कर देते हैं। इस बात का ये धर्म करेंगे या प्रधान नहीं करेंगे है? बाप यहाँ सौधर्मी बिजर्मी की बात है। बाप खुद ही विदेशी बन करके आता है। स्वदेशी बन के आता है या विदेशी? किस लिए? क्योंकि सारे बच्चे विदेशियों से प्रभावित हुए पड़े। और बाबा एक मामले में बोला है कि शंकर की जगह पर जगदामों को दिखाया होता है, समझाया में खराज होता है। दिखाया होता तो लेकिन दिखाया नहीं। अभी आगे देखते तो यात्रा कितना बनेगा उसमें दिखाई जाएगा। जो जगदम्बा के भगत होंगे जिनके लिए बोला है, देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय, तो दिखा दे। नहीं तो बाबा कैसे बना रहे? बाबा क्यों बना रहे? बाबा ने तो एक इमेजिन कर दिया, कल्पना कर दी कि शंकर की जगह पर अगर जगदम्बा का चित्र दिखाया होता तो समझाने में सहज होता। क्यों सहज होता? क्योंकि शंकर तो विनाश करता नहीं है प्रैक्टिकल में। कौन करता है? आखिर संगायन शक्ति लगाई हुई, तो अगर उनको रखा होता और प्रैक्टिकल में गोली संगार करती है, महावारी महाभारत युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, निमित्त कौन बनी है? ये कह सकते हैं कि राम रावण युद्ध में राम निमित्त बना, देवासुर संग्राम में महादेव निमित्त बना, महावारी महाभारत युद्ध में कृष्ण निमित्त बना, इसलिए बोला कि त्रिमूर्ति के चित्र में अगर जगदम्बा का चित्र दिया होता असल संग आए नहीं का तो समझाने में सहज होता। तो बीच में किसको दिखाया जाएगा? हैं? किसको दिखाया जाएगा? हैं? साधुनाथ को चारना वाले ना? हैं? किस रूप में? हैं? बाबा जी को दिखाया जाएगा क्या? किसको दिखाया जाएगा? शंकर जी को। ये वो साधुनाथ को चारना वाले हैं। शंकर कहा जाता है मिक्स पार्ट को। जब पांच आत्माएं हैं ब्रह्म के रूप में तो मुख्य ब्रह्मा कौन है? पांच ब्रह्मा है। ब्रह्मा तो ढेरों के नाम है ना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है। तो प्रजापिता जो मुख्य है वो हाथों की जगह पर रखा जाएगा, भुजाओं की जगह पर रखा जाएगा या मस्तक में रखा जाएगा? बाबा हद के लोगों को अगर हम बोले भगवान आया हुआ है सृष्टि पे, वो लोग कहते हैं पागल होगा क्या? लोग जो सन्यासी लोग हैं 100 साल तपस्या करते उनको नहीं मिला भगवान, तुमको कैसा मिला भगवान? स्टेज में रह करके सुनाने वाले होंगे तो
सुनने वालों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। जब बच्चे बेहद की स्टेज में टिके हुए होंगे, पारसनाथ के बच्चे भी पारसनाथ होंगे, तो सुनने वालों के ऊपर असर जरूर पड़ेगा। तो अब 4,500 उग्र माला के बच्चे कब तैयार होंगे? जब 4,500 राधा कृष्ण के बाद बच्चे बनने वाले के लिए छोड़ देंगे। कैसेट के पॉइंट नंबर 13 में बोल रहा है कि राधा कृष्ण कुमार बच्चे 2018 से 2026 तक आते रहेंगे, तो वो कहाँ से आते हैं? बाहर है क्या? ब्राह्मण दुनिया से बाहर है क्या वो? तो जहाँ के हैं वहीं से आते रहेंगे। पहले बुद्धि रूप से पेट में प्रवेश करते रहेंगे, बाद में स्थूल पेट में प्रवेश करके जन्म लेंगे। माने वो आत्मा ऊपर वाले परमधाम में नहीं जाएंगे? 4,500 जिनमें प्रवेश करेंगे वो परमधाम में बुद्धि रूप से जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो जो उनके संगी साथी है, जिनको बच्चे के रूप में जन्म लेना है, उनका उद्धार किए बगैर चले जाएंगे क्या? बाप कृष्ण बच्चे के बगैर अपनी जयंती मनाई लेगा क्या? मनाएगा नहीं? बाबा 2018 तक शांति धाम में कितने आत्माएं पहुंचेंगी तपस्या करने के लिए? जब कृष्ण का जन्म होगा तो बड़े परिवार में होगा या छोटे परिवार में होगा? छोटे से छोटा कितना होगा? 8 का होगा। वो यशदेव है ऊंचे से ऊंचे स्टेज वाले सूर्य जी, वो तो स्वर्ग के स्टेज में नीचे में रहेंगे ना, जमुना के अंदर। अब कहीं भी रहे, बुद्धियोग से बुद्धियोग की बात है। ये बात की सारी का बात प्रसाद करने के लिए नहीं पहुंचेगी क्या? कृष्ण का जन्म 4,500 के बीच में होगा क्या? और 4,500 सारे ही पक्के सूर्यवंशी है क्या? ये दूसरे दूसरे धर्मों के बीच है। तपस्या अगर होंगी नहीं होगी तो 4,500 को जन्म कैसे लेंगे? अरे वहाँ कृष्ण की बात कर रहे हो या 4,500 जन्म लेने और देने वालों की बात कर रहे हैं? 4,500 की बात कर रहे हैं, जन्म लेने और देने वालों। हाँ सूर्य, 4,500 जन्म लेने वालों और देने वालों की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 100 साल का संगम युग होता हुआ है। तो क्या हुआ? तो वो अगर तपस्या में नहीं बैठेंगे तो उनके बाद वो जन्म बैठेंगे। कितने काल नहीं बैठेंगे? नहीं सपना आया वही तो पूछ रहे ना। अरे तो जिससे पूछ रहे क्या हुआ? और तपस्या में बैठने की भी बात नहीं है? तपस्या तो चलते बैठते भी हो सकती, तपस्या कोई दूसरी चीज थोड़ी है। आत्म की स्थिति में रहना माना तपस्या। कहीं भी कुछ भी होता हो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब आप ऊपर चढ़ेंगे तब परमधाम नीचे उतरेगा। परमधाम में आत्मा एक कहा जाता है कि ऊपर रहती है जो सूक्ष्म जाता आत्मा जाती है सूक्ष्म होती है, तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर रहती है बोलते हैं। ऊपर रहने से फायदा क्या है? ऊपर रहने या नीचे रहे आत्मा जो जितनी सूक्ष्म हो गई वो उतनी हल्की होगी, या जो जितना स्थूल बुद्धि होगा वो उतना हल्का होगा? जितना सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा ताकतवर आत्मा होगी और उतनी ही ज्यादा पृथ्वी के आकर्षण से परे होकर के रहेगी। तो बेनिफिट क्या है? हैं? ऊपर रहिए आत्मा नीचे रहे। ऊपर नीचे की बात नहीं है, वो तो पृथ्वी के चारों ओर है। परमधाम एक एक तरफ नहीं है, कोई ऊपर है या नीचे है या दाईं ओर है या बाईं ओर है, नहीं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, स्पेस के चारों ओर परमधाम।
पृथ्वी से परे रहने की बात है। जो जितनी आत्मा जड़त्वमयी वो उतनी ही पृथ्वी के नजदीक, जैसे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, और जितनी ही तीव्र बुद्धि होंगे, सूक्ष्म बुद्धि होंगे, उतने ही और मंद बुद्धि प्राणियों को प्रास करके रहेंगे। बुद्धि तो चलती नहीं ना बाबा, आत्मा शरीर छोड़ेंगे तो बुद्धि की बात ही नहीं रहेगी। आत्मा शरीर छोड़ेंगे तो बुद्धि की बात नहीं रहेगी। शरीर छोड़ के परंपरा में जाएंगे ना आत्मा, तो बुद्धि मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। तो वो आत्मा स्मृति नहीं रहेगी ना, आत्मा तो स्मृति नहीं रहेगी। शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर भी यहीं जाते ना, यहाँ क्यों छोड़ के जाएगी, सब आत्माएं सूक्ष्म बसन में इकट्ठी होंगी। जब तक 500 करोड़ की सृष्टि का आखिरी विनाश होगा, उसके बाद परमा में तो जाएगी। जब जब सब सूक्ष्म बसन में इकट्ठे हो जाएंगे, आखिरी विनाश 5-7 करोड़ का हो जाएगा, तो सब इकट्ठे जाएंगे। आखिरी विनाश तो सचिव का आदि में सचिव का सचिव को वहाँ से सचिव को बुलाया था, तो आखिरी विनाश सभी कहेंगे संगम युग पूरा होगा तो आखिरी विनाश भी हो जाएगा, आखिरी स्थापना भी हो जाएगी। न स्थापना होने के लिए कुछ बचेगा और न विनाश होने के लिए कुछ बचेगा। बच्चे अगर हो जाए तो इस जन्म की स्मृति रहेगी हमको, बच्चों को माँ बाप तो अलग बात है और बच्चे अलग बात है। बच्चे जो हैं वो शारीरिक जन्म लेंगे और माँ बाप शारीरिक जन्म लेंगे क्या? उनका दिव्य जन्म होगा या लौकिक रीति का शारीरिक जन्म होगा? दिव्य जन्म होगा। इस जन्म की स्मृति रहेगी बच्चों को जन्म लेने के बाद भी, अंत तक स्मृति रहेगी। जन्म देने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्माएं हैं और जन्म लेने वालों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहेंगे। बाबा कितने आत्माओं को पता पड़ेगा अपने पास में? जो समझदार कैटेगरी के हैं उन सबको पता पड़ेगा। समझदार कितने हैं? जो पहले जन्म की प्रजा होगी उसकी भी कोई खास खसूसियत होगी, जो और धर्मों की प्रजा में वो खसूसियत नहीं होगी। वहां यथा राजा ज्ञानी तु आत्मा तथा प्रजा सब श्रेष्ठ होंगे। 9 लाख आत्माओं को पता पड़ेगा। 9 लाख आत्मा जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनमें जो है आपके पास स्वभाव 9 लाख में आधे तो जन्म लेने वाले बच्चे हैं जो बुद्धू पैदा होंगे। जन्म देने वाले समझदार होंगे या बुद्धू होंगे? इन लक्ष्मी नारायण को समझदार कहेंगे तब तो सारे विश्व के मालिक होंगे। फिर दूसरी मुर्गी बोला लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, इनको तो कुछ भी पता नहीं। तो कौन से बुद्धू, जन्म लेने वाले या जन्म देने वाले? जन्म लेने वाले बुद्धू और जन्म देने वाले समझदार। यहाँ भी उन्होंने समझा समझदार बुद्धि का काम किया। समझदार बुद्धि सब बनाएंगे उनको जन्म का पास क्लियर होगा। हाँ जी, तो वो कब होगा ऐसा पूछ रहे। जब बच्चों को जन्म दे सकते हैं, निर्विकारी बच्चों को इतनी पावर आ सकती है तो अपने पार्ट की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। शरीर को निरोगी कंचन काया बना सकते हैं, निरोगी कंचन काया शरीर की रचना कर सकते हैं,
तो पहले स्थूल शरीर कंचन जो है वो बनेगा कि पहले बुद्धि कंचन बनेगी? पहले बुद्धि कंचन बन जाएगी। और सेवा के फील्ड में एक पूछा कि तुम्हारा ज्ञान तो आए समझ जो देता है ये उधर से सुधे अंदर से क्या है और उन्हें हर धर्म वाली आत्मा को नहीं बन सकते हैं। हर धर्म से आकर आत्मा नहीं बन सकती है ऐसे आर्य समाज के धर्म पिता ने कहा है। ऐसा ही तुम्हारा ज्ञान है, तुम भी हर धर्म की आत्मा हर धर्म वाली आत्माओं को ज्ञान सुनाते हो। हाँ तो क्या समझाए? उनको ये समझाओ भगवान सबका है या भगवान किसी खास धर्म वाले का? हर धर्म वाले भाग पाकर को मानते हैं या किसी एक धर्म वाले का ही मानते हैं? सभी मानते हैं। तो भगवान का ज्ञान की पहचान यही है, जो भगवान का ज्ञान होगा उसमें सब के लिए एक स्थान होगा। बहुत सेवा करते हैं तो किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है ज्ञान, तो कोई महापुरुष देने के लिए देता है तो हम नहीं भी बोलते तो वो बहुत नाराज हो जाता है। और लौकिक में भी आप ब्राह्मण ही लेते हैं तो तुम उनसे नाराज हो जाओ कि हम तुमको बहुत देना चाहते हैं तुम लेते क्यों नहीं? आप भी हाथ पकड़ लो बैठा लो, हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। तो जब आप आने वाले हैं हमारी बात पूरी आप सुन लेंगे तो हम समझेंगे आपने हमारा ले लिया। जब तक नहीं सुनते हैं तो हम समझेंगे आपने नहीं लिया। जब तक आप नहीं लेते हम भी आपको नहीं लेते। हम तो लेने वाले हैं लेकिन आप ये हमको ऐसा बोलते हैं। हम इतना सुना तो हम भी आपसे लेने वाले हैं, हम नहीं छोड़ने वाले। हम आपका तन मन धन 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 धाम छोड़ परिवार भाड़ा लेने वाले। सेवा के लिए जाती है तो और इच्छा का भी भाड़ा देते हैं, तब क्या करें है? सेवा के लिए हम जाते हैं दोनों दूर नहीं मान लो तो और इच्छा बुलाते हैं और उनको पहले ही भाड़ा देते हैं तो क्या करेंगे? वही बात हमारी चीज आप पूरी लेंगे तो हम आपकी चीज लेंगे। हमारे से आपने कुछ लिया नहीं तो हम लेंगे क्यों? बाबा हम तो ज्ञान में आए डायरेक्ट आया हूँ, पहले चार पांच गुरु करता तो युगल बोलते तो हर एक गुरु भगत है, अभी तो बोलते हैं भगवान आए हम कैसे आएंगे तुम वो गुरु के पास जाता है वही गुरु के पास जाता है और इधर बोलता है सदगुरु है भगवान आया है। बताओ उनको भक्ति मार्ग में भी तो कहते पानी पियो छान के और गुरु करो जान। जहाँ पता चल गया ये बुद्धू गुरु है तो हम छोड़ेंगे ना। बाबा असल में देवता तो क्षत्रिय ही बनते हैं ना? हैं असल देवता क्षत्रिय आदमी पहले बाप को पहचानते हैं ना? क्यों? हाँ देवता चंद्रवंशी छत्रों के किशोर को देवता ब्रह्मसूत्र की आत्माओं के निबंधन बताए जाते हैं। देवता चंद्रवंशी विश्वामित्र के लिए कहा जाता है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ गुरु में वशिष्ठ में बहु के लिए लड़ाई हुई। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा ये गऊ हमें दे दो, उन्होंने मना कर दिया हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं देंगे तो हम तुमसे युद्ध करेंगे। वशिष्ठ जी तैयार हो गए, भले तुम युद्ध से लेना चाहते हो ले लो,
विश्वामित्र ने युद्ध किया, बड़े बड़े अस्त्र छोड़े और उन्होंने अपना सिर्फ पवित्रता का दंड आगे कर दिया। बहुत प्रयत्न करने पर भी विश्वामित्र वशिष्ठ जी को हरा नहीं पाए, तो उनके मुख से निकल गया अधिक बलम शक्ति बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। एक मेरे दंडे न सर्वे में सत्ता हता। वास्तव में जो ब्रह्म तेज का बल है वही सबसे बड़ा बल है, पवित्रता का बल। मैं ब्रह्मत्व धारण करूंगा, विश्वामित्र क्षत्रिय थे तो उन्होंने फिर तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मत्व को हासिल कर लिया और गऊ को ले लिया। कहां की बात है, उन्होंने कल गऊ देने से मना कर दिया था। ये कि आज में जो दोनों मुख्य गऊएं थी कहां चली गई, वशिष्ठ जी के पास। फिर तपस्या करनी पड़ी, फिर डूबन नहीं जाती। तो एक होता है जन्म से देवता बनना और एक होता है पुरुषार्थ से देवता बनना। कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है? और ब्रह्मा गौ की बुद्धि में मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, शिव गीता का भगवान है, बुद्धि में सब बैठेगा, बुद्धि में उनकी सब बैठेगा। आखिर जब 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 लड़ाई लड़ते लड़ते हार जाएंगे, ये भी तो महाभारत महाभारत ग्रहयुद्ध हो रहा है। ग्रहयुद्ध क्यों कहा गया? ग्रहयुद्ध में अम्मा बाप और बच्चे सब लड़ाई लड़ेंगे ना, तो ब्रह्मा क्या है? अम्मा है और उसके साथ बच्चे हैं। ज्यादा बच्चे किसके साथ है, अम्मा के साथ कि पप्पा के साथ? अम्मा के साथ ज्यादा बच्चे हैं, तो लड़ाई चल रही है, परिवर्तन हो रहा है। वो कहते हैं हम अम्मा के बच्चे हैं, माना बी के हैं, वो कहते हैं अम्मा के बच्चे, ऐसा दुनिया में खराब बात मानी जाती। क्या बनना पड़ेगा तुमको? बाप का बच्चा बनना पड़ेगा। वो श्रेष्ठ बात है, इस बाप के बच्चे हो। फलक से कहता है इस बाप के बच्चे, अम्मा भी स्वीकार करती है हाँ तुम्हारा ये बाप है। तो समझ कर ही बोलते होंगे ना, याद याद में रहेंगे तो समझी से बोलेंगे या फिर समझी से बोलेंगे? समझ कर बात मुरली ज्ञान पर बोल रहे हैं हाँ, तो उसके उसके ऊपर खुद अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? उस वाणी के ऊपर खुद ही अमल क्यों नहीं कर रहे? एक होती है भगवान की वाणी, भगवान कहते हैं निराकार शिव ज्योति बिंदु को, और एक होती है मनुष्य की वाणी। मनुष्य ज्यादा चाटुपार होता है कि भगवान चाटुपार होता है? तो मनुष्य की श्रेणी में ब्रह्मा की आत्मा नहीं है। बोलेंगे अच्छा अच्छा, लेकिन जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा करके दिखाएंगे क्या करेंगे? तो मनुष्य गुरुओं की श्रेणी में पहला नंबर गुरु कौन? जैसे ही प्रवेश करते हैं शिव तो नाम ही बदल जाता है, तो ऐसे ही वो आत्माएं आती है जब प्रवेश करती है तो पहला वाला नाम बदल जाता है। एक बार
हमने कहा देवी देवता बनना है, वो कहती थी कि हमें देवी देवता नहीं बनना है, झगड़ा होता है जरूर। देवी देवता झगड़ा करते हैं किसके साथ? हमें सिद्धि प्राप्त होती है, हमें सिद्धि माना चाहते हैं। देवताओं का झगड़ा किसके साथ होता है? वो ही करके सकती वो वैसा कहते हैं, वहाँ झगड़ा रहता है। शास्त्रों में लिखा है तो वो समझते हैं झगड़ा होता है, लेकिन शास्त्रों में बात कहाँ की लिखी है वो उन्हें पता ही नहीं। जो यहाँ की बात है सूक्ष्म बात, वो शास्त्रों में स्थूल युद्ध के रूप में दिखा दी। यहाँ है कलकल्पों का युद्ध और वहाँ उन्होंने स्थूल युद्ध दिखा दिया तीर तलवारों। हम नहीं बोल रहे, लेकिन वो कहे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिद्धि प्राप्त, सिद्धि होनी चाहिए। किस बात की सिद्धि? सिद्धि माना क्या? उनसे कहो किस बात की सिद्धि? नरक को स्वर्ग बनाने की सिद्धि है। अच्छा आप पूछते ना उनसे कि आपके पास नरक को स्वर्ग बनाने की सिद्धि है? वो तो कोई बैठ जाए, खाना पीना नहीं खाते थे, बैठ जाए। आजकल ऐसी टैबलेट बनी है, बहुत देर भूख नहीं लगती। आवेश प्रमाण वाला पाठ कब खत्म हो जाएगा? तो वही क्या मुसीबत आ रही है? कोई तंग आ जाते हैं ना बच्चे घर में तो कहते ये बाप कब करेगा? जैसे औरंगजेब का नियम है कि चंद्रमा पूर्णमासी का जब होता है तो तब ही पूरा अस्त होता है जब दूसरी तरफ सूर्य उदय हो जाता है। एक तरफ सूर्य उदय होता है, दूसरी तरफ चंद्र अस्त होता है। अभी सूर्य उदय होने का टाइम ही नहीं है और चंद्रमा भी अस्त हो जाए तो इतने ढेर सारे जो ज्ञान ले रहे हैं, तन मन धन अर्पण कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? दरबदर हो जाएंगे या रह जाएंगे? दरबदर हो जाएंगे। बाबा अभी सुना है का रंग मेला लिखना बहुत हाल बुरा है, तो उसके बाद कौन बचेगा रंग पर? कौन उनकी जगह पे बैठे? अरे ये तो परंपरा चली आई है, माँ बाप मरते हैं तो कौन गति में बैठे? तो माया की जो बाल बच्चे है वो बैठे ही तो अंत तक माया का लड़ेगी ना? अंत तक लड़ेगी ना माया? हाँ फिर तो भूख का आराम मचाएगी। आप लोग कोई जानी के नहीं हो? प्रकाश सिंह राजीव आप लोग कोई जानी के नहीं? क्यों नहीं पहचानी? पहचानी की नहीं तो पत्थर बुद्धि से पार्थ बुद्धि कैसे बनेगी? अहिल्या को पत्थर बुद्धि कहा जाता है कि नहीं? पत्थर बुद्धि अहिल्या उसका उद्धार हुआ या नहीं हुआ? शरीर को प्रधानता क्यों देना? शरीर प्रधान है या आत्मा प्रधान है? तो कुमारिका दादी जड़ रूप है, स्थूल रूप है, आधारभूत है या बीज रूप है? आधारभूत है। वो ज्यादा पावरफुल या उसका बीज ज्यादा पावरफुल? वो बीज कहाँ है? ब्राह्मण दुनिया में। आपके प्रश्नों का फोर्स ज्यादा होगा इसलिए आधा घंटा चली। जाने से तुम बच्चों ने आधी मत ज्ञान में खाने का दुख पाया तो किसी व्यापारी से आधी क्यों नहीं? आधी कैसे कहा गया?
विकारों से आदिमति से दुख इसलिए कहा जाता है कि जब विकारी प्रवृत्ति होती है तो उस समय स्त्री पुरुष दोनों को निस्तेजता का अनुभव होता है, कमजोरी का अनुभव होता है। क्या तो आज हो गया, उसके बाद फिर बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो भी किसको सहन करना पड़ता है? नहीं, बच्चे को भी सहन करना पड़ता है और माता को भी सहन करना पड़ता है, और माता का लगाव होने के कारण पिता को भी दुख तो अनुभव होता है। बगदौर में भगदर बच्चे आती तो मध्य भी हो गया, और फिर जब अंत तो होता है, मृत्यु होती है, तो घावड़े आते हैं, खुद भी दुखी होता है और परिवारजन भी दुखी हो जाते हैं। तो आज भी दुख, मध्य भी दुख और अंत भी दुख। ये विकारी औलाद के लिए कहा गया। मुझे मेरे पास नहीं सके, मैं गुजरात करता है तो बच्चे को आगे नहीं पाए तो वो नहीं बात है। पत्नी उसे कहा जाता है जो पति को फॉलो करे। अगर फॉलो करती है, रचना रचयिता को फॉलो करती है, बात मानती है, तो पत्नी है। 100% बात मानती है तो पति के पुरुषार्थ का आधा हिस्सा उसे मिलेगा। अगर 50% बात मानती है और 50% नहीं मानती, 50% बातों को फॉलो करती है, 50% बातों को फॉलो नहीं करती, तो उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए या पति के पुरुषार्थ का आधे का आधा मिलना चाहिए? ये हिसाब है।